हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो भाई वो टाटा सफारी का होने वाला है, जो नई वाली फेसलिफ्ट है। और ये जो वेरिएंट है ना, वो है एडवेंचर प्लस ए, ऑटोमेटिक वेरिएंट ये है। और भाई आपको टॉप वेरिएंट लेने की जरूरत नहीं है, इसी वेरिएंट के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। प्राइस की बात करें तो 25 लाख, मतलब 25.5 लाख रुपए के आसपास आप ऑन रोड मान लो, ये दिल्ली के अंदर मिलता है। और भाई इसमें सारे प्रैक्टिकल फीचर्स हैं जो एक टॉप वेरिएंट में आते हैं। मैं अंदर चल के आपको बताने वाला हूँ वो क्या क्या चीजें हैं। तो पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से भाई इसकी लुक जो बड़ी माचो लगती है, स्पेशली जो ये एलिमेंट है ना ब्लैक के ऊपर, पियानो फिनिश के ऊपर, ये जो सिल्वर कलर के ऊपर से निकले हुए हैं, ये बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, आप देख सकते हो। तो भाई मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये टॉप वेरिएंट वाला ना लेके ये ले लो, क्योंकि इसमें सारे प्रैक्टिकल फीचर्स है। देखो ये हेडलैम्प्स आते हैं, और ये नीचे जो एलईडी इसके फॉग लैंप्स है वो भी इसके अंदर आते हैं। 360 डिग्री कैमरा भी इसके अंदर आता है, सेंसर्स, दो पार्किंग सेंसर्स भी इसके अंदर आते हैं। और मैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करके दिखाता हूं। देखो ये मैंने लॉक किया और ये मैंने अनलॉक किया, तो भाई दोनों के दोनों इंडिकेटर्स जो है डीआरएल वाले, ये वाले और इंडिकेटर्स दोनों का काम करते हैं। रही बात कनेक्टिंग डीआरएल्स, वो भी इस वेरियंट के अंदर आती है, आप देख सकते हो कनेक्टिंग डीआरएल्स। और ये मैंने लॉक किया तो भाई ये इंडिकेटर जल गए इसके, और बीच वाली ये डीआरएल है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग लुक दे रही है। भाई बहुत ही माचो लग रही है। देखो हो सकता है ये फोन में ब्लिंक कर रही हो लाइट, लेकिन भाई वैसे ये ब्लिंक नहीं कर रही है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव इसको बना देती है लाइट। आजकल वैसे भी ट्रेंड चल रहा है इसका। साइड प्रोफाइलिंग की बात करेंगे तो भाई टायर साइज देखो, ये इस तरीके के अलॉय आते हैं जिसमें बीच में प्लास्टिक आपको मिल जाता है। यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक है, ये बाकी अपना मेटल है। और टायर साइज की बात करेंगे तो भाई अब तो इन्होंने टायर साइज को बढ़ा दिया है, जो है 235/60R18 इंचेस का। 19 का भी आता है टॉप में, बट लेकिन ये इसमें 18 इंचेस का, और आप देख सकते हो। साइड लुक की अगर बात करोगे तो देखो ओवरऑल साइड लुक से कितनी ज्यादा माचो ये गाड़ी लगती है। हालांकि चेंज नहीं किया गया है, पहले वाला ही है, ज्यादा चेंजेस नहीं है साइड लुक में, बाकी सारी चीजें वही हैं। बाकी रूफ रेल्स भी आती है, और व्हाइट कलर मुझे काफी अच्छा लगता है हर गाड़ी में, और ब्लैक कलर का उसके साथ जो एलिमेंट ये दिए हुए हैं इसके रूफ रेल्स हो, साइड में ये पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। बाकी सफारी की जो है यहाँ पे वो भी इनग्रेव्ड यहाँ पे बैजिंग से दी हुई है, जो कि काफी ज्यादा इसको अच्छा बना रही है, एक बता रही है कि भाई साइड से भी सफारी है। हालांकि चेंज नहीं हुआ है साइड से, एग्जैक्टली सेम है, फ्रंट और जो रियर है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब चलते हैं अंदर, और अंदर दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीजें ऑफर होती है। एंट्री करने के लिए आपको की इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंसर इसके अंदर आते हैं, आपने लॉक किया, ORVM अल्फोर्ड हुए। और आप चलते हैं अंदर। एक सबसे अच्छी बात इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है वो सब यूजफुल फीचर्स आते हैं इसके अंदर, तो आपको इसके अंदर जो है वो हाइट एडजस्ट मिलेगा, बट लेकिन वो मैन्युअली ही मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि भाई अगर आपको हाइट एडजस्ट करनी है, देखो ये नीचे किया तो पीछे और नीचे हो रही है, और ऊपर को करूंगा तो ये आगे और ऊपर को हो रही है, ठीक है। तो अब चलते हैं अंदर। अंदर चल के भाई सबसे पहले मैं इस गाड़ी को जरा ऑन कर दूं। देखो इसके ग्राफिक्स देखो कितने प्यारे हैं, आप देख सकते हो भाई, बहुत ही अमेजिंग। जैसे टीवी या लैपटॉप कोई स्टार्ट होता है उस तरीके के ग्राफिक्स इसके अंदर मिलेंगे आपको, तो बहुत ही अमेजिंग है। देखो एक मिनट जरा मैं इसका फैन की स्पीड वो कर दूं, बाकी देखो, और पूरा का पूरा कंप्लीटली ये डिजिटल आपको मिलेगा। और इसको ना आप चेंज भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको चेंज करना है तो यहां से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। देखो ये इसके सेंटर बेसिकली अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये कह रहा है इसको प्रेस करने पे कह रहा है ये कमिंग फीचर्स कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर, तो अभी हुआ नहीं। अदरवाइज इसको जिसका जो डायल है इसको आप चेंज भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से ये आ सकता है, 2 से 3 तरीके का आपको मिल जाएगा। काफी अच्छा है, काफी अमेजिंग है, लेकिन इसके अंदर हाथ के निशान पड़ जाते हैं, वो कोई भी अच्छी चीज हो भाई इसमें लगता ही है, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं कि यार ये क्या दे दिया गाड़ी ने, लेकिन लग बहुत अमेजिंग रहा है भाई। आप देखो रेंज रोवर की आपको याद दिला देगा ये, उसमें भी डिफरेंट कलर होता है बट काइंड ऑफ सिमिलर आपको इसमें मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो आपको कंट्रोल मिलेंगे, इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिलेंगे, जो कि 12 इंच का है ये, और काफी ज्यादा अच्छा हो गया, बहुत ही पहले भी अच्छा आता था, और लेकिन अब जो है इसका टच और इसका म्यूजिक भी मैं आपको सुनाऊंगा, वो भी बहुत अमेजिंग हो चुका है। म्यूजिक नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन इसके स्पीकर्स वगैरह काफी अमेजिंग हो चुके हैं, जो पहले आते थे ना टाटा में उससे भी ऊपर हो गया है, सही बता रहा हूँ आपको। JBL वगैरह के स्पीकर्स वगैरह इसमें आ चुके हैं, काफी काफी अमेजिंग है। बाकी बात करते हैं वापस यहीं पे, अगर आपको क्रूज कंट्रोल करना है तो उसके राइट हैंड साइड में कंट्रोल्स मिलेंगे, और पैडल शिफ्टर भी इसमें मिल जाते हैं दोनों साइड में, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, और पुश स्टार्ट बटन आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा। बाकी आप इसका लेदर देखो, ये सब लेदर है, प्लास्टिक है,
और ये काफी ज्यादा प्रीमियम है, और ये लेदर है और ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। मतलब आपको टॉप मॉडल में ना जाकर लो बजट थोड़ा सा आपका है और आपको प्रीमियमनेस चाहिए तो भाई ये वाला वेरिएंट आप उठा सकते हो आंख बंद करके। और देखो IRVM मैनुअली एडजस्टेड है, मतलब ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा लेकिन मैनुअली मिलेगा जरूर आपको। उसी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल जो है सारे के सारे कंट्रोल्स है, ये लाइट को एडजस्ट करने के लिए, ये आपका पार्किंग जब आपने करनी हो तो असिस्ट करने के लिए दोनों इंडिकेटर्स को जलाने के लिए है, इसको बूट को ओपन करने के लिए, यहाँ पे गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, और ये 360 डिग्री कैमरा भी आपको इसमें मिलेगा। तो जैसा मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ कि भाई सारी की सारी चीजें जो है वो इसमें आ जाती हैं, जो भी प्रैक्टिकल चीजें आती है, तो ऊपर वाले वेरियंट में ना जाकर आप इसमें जा सकते हो। बाकी 3 डिग्री का जो है 3 डिग्री कैमरे का व्यू देखो, और 8 डिफरेंट एंगल्स जो पहले भी आता था, वो सारी चीजें हैं। बाकी एसी के कंट्रोल्स यहाँ नीचे मिलेंगे, और इसके फैन की स्पीड को कम और ज्यादा करने के लिए यहाँ पे, टेम्परेचर को यहाँ पे करने के लिए, तो सारा का सारा डिजिटल यहाँ पे आ चुका है ये। और अब USB पोर्ट आपको मिलेगा, और जो सी टाइप वाला है वो भी मिलेगा आपको। यहाँ पे चार्जर भी मिलेगा, वायरलेस चार्जर, और ये वही इसका डायल है बहुत अच्छा सा, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स मिलेंगे। ये वेट मोड है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे आपने इसको चेंज करोगे तो यहाँ पे रफ मोड आ गया, ये रफ मोड के लिए है, इसको किया तो ये वेट मोड के लिए है, या देखो आपको वेट रोड के लिए आ गया, और यहाँ पे अगर करोगे तो ये सिटी वाला आ जाएगा, सॉरी रफ पे आ गया, तो मैंने इस गलती से ज्यादा कर दिया था। अब देखो ये करा, ड्राइव असिस्ट आ गया, अब आपको ये प्रेस करोगे, ये देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है इको, ये देखो इको सिटी वो इस वाले बटन से आपका हो जाएगा काम। बाकी ये देखो स्पोर्ट्स मोड ऑन, स्पोर्ट्स मोड ऑन के लिए ये वाला बटन है, तो यहाँ से स्पोर्ट्स मोड हो जाएगा। बाकी देखो ये काफी अच्छा है, ये काफी प्रीमियम है, और इसको क्या करना है आपको, प्रेस करना है इस तरीके से, ठीक है। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं, इसलिए नहीं होगा, और पार्क करने के लिए यहाँ पे ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। बाकी ऑटो होल्ड भी इसमें आता है, और जो ब्रेक है वो ऑटोमेटिक आता है, आपने प्रेस किया ब्रेक लग जाएगी। तो सारी चीजें आ रही है इसमें, दवाई कप होल्डर्स है, आर्मरेस्ट है जो लेदर है अगेन, और इसके अंदर ये कूल्ड आर्मरेस्ट आपको मिलेगा, इसके अंदर स्टोरेज स्पेस जो है, और स्टोरेज स्पेस भी अच्छा खासा है, और यहाँ पे आपको 12 वाट का सॉकेट, वही USB और सी टाइप दोनों मिल जाएगा। थोड़ा सा छोटा है, कैंस वगैरह ही आ पाएंगे आपके, बट लेकिन ठीक है, यूजफुल है। बाकी देखिए जो सीट्स हैं वो लेदर, किस तरीके की अमेजिंग लग रही है ये, प्रीमियमनेस की कोई कमी नहीं है। यहाँ डोर्स की बात करोगे तो डोर में लेदर प्लास्टिक है, लेदर है, पावर विंडोज का स्विच है, और ये देखिए ये भी आपको सिल्वरिश, मतलब गोल्ड सिल्वरिश, थोड़ा सा ब्राउन्स टाइप में भी आप कह सकते हो उसको, और ये इस तरीके का लेआउट इसका मिल जाएगा। बाकी बॉटल और यहाँ पे अम्ब्रेला रखने के लिए भी स्पेस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आराम से रख सकते हो। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करें तो बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स है, लाइट भी है, दो कंपार्टमेंट है, यहाँ पे ऊपर पेपर रख सकते हो, नीचे अपना सामान वामान रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एड किट रखी हुई है अभी, तो इसको करते हैं बंद। बाकी ये लेदर देखो काफी अमेजिंग लग रहा है, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा लगेगा, काफी अमेजिंग सा ये लग रहा है। बाकी इसमें पावर विंडो भी आता है, और इसकी लाइट की बात करेंगे तो बल्ब व्हाइट आपको मिलेगा, और 3 बल्ब मिल जाएंगे आपको, और ये इसका वन टच वाला जो है वो पूरा का पूरा आपको ओपन हो जाएगा, इसका सनरूफ जो कि काफी बड़ा है। इसको बंद करते हैं फिलहाल, हमें इसको देखो कितना ज्यादा बड़ा सनरूफ है, और पूरा ये ओपन हो जाता है उधर तक, तो काफी बड़ा स्पेस है ये, देखो भाई बहुत आराम से, जितना मर्जी मोटा आदमी हो सब निकल जाएगा आराम से, इसको वही वन टच में दोबारा से ये बंद भी हो जाता है। बाकी विंडो जो पैसेंजर साइड है वहां पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, और ड्राइविंग साइड में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये था फ्रंट का, ORVM वही सेम वाले हैं, बड़े बड़े से हैं, यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो। और आप चलते हैं पीछे और आपको दिखाता हूँ कितना ज्यादा स्पेस ही ऑफर करते हैं, क्योंकि ये 7 सीटर है। बैक से अंदर जाने के लिए वही सेम डोर ओपन किया आपने, यहाँ से अंदर गए, लेग रूम की कोई कमी नहीं है, 5'7" मेरी हाइट है, जो आगे वाली सीट है वो पूरी पीछे हो रखी है, उसके बाद देखो काफी ज्यादा लेग रूम आपको मिल जाएगा। AC वेंट्स यहीं पर जो पहले आते थे उसी तरीके से, देखो यहाँ से धूप आ रही है तो ये जो शेड लगा दिए हैं सनशेड वो भी है, काफी प्रीमियम क्वालिटी का ये सनशेड आपको मिलेगा। ये प्लास्टिक है, ये लेदर है, वही सेम चीज आपको मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल रखने के लिए स्पेस है, यहाँ पे बॉटल रखने के लिए, स्पीकर नीचे आपका आ जाता है। हेडरूम की कोई कमी नहीं है, 5'7" मेरी हाइट है, और 6 फीट के भी अगर आप बैठोगे तो कोई कमी नहीं मिलेगी आपको इसके हेडरूम में। बाकी 3 लोग बड़े प्यार से बैठ सकते हैं, 60-40 का स्प्लिट भी हो जाता है, और काफी ज्यादा स्पेस है। उधर भी आपको ये सनशेड मिल जाएगा, लाइट देखिए रीडिंग लाइट आपको मिल जाएगी दोनों ही साइड में, व्हाइट कलर की है। एयरबैग्स आपको 6-7 स्टैंडर्ड आते हैं इसमें, 1, 2, 3, 4 और 2 आगे 6, और ये देखो वहां पे भी पीछे 7 और 8 आपको एयरबैग मिलेंगे, और थर्ड रो के लिए भी भाई लाइट दी हुई है, काफी ज्यादा ब्राइट लाइट है, व्हाइट कलर का है। बाकी हेडरेस्ट जो है वो अच्छा खासा है, 2 ही मिलेंगे हालांकि, और लेकिन आपका
काफी सॉफ्ट है, लेदर है पूरा सॉफ्ट है, आर्मरेस्ट भी मिल जाता है बीच में, ये पन्नी लगी हुई है निकालना नहीं चाहता, बट ये देखो आर्मरेस्ट मिलेगा जिसमें कप होल्डर भी है, यहाँ से आप देख सकते हो कप होल्डर भी है और लेदर सीट्स ना कुशनिंग। भाई मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ इस सफारी के बारे में, आप जितनी मर्जी लॉन्ग जर्नीज कर लो आपको पता नहीं चलेगा, आपको थकान नहीं होगी क्योंकि इतना ज्यादा थाई सपोर्ट है इस गाड़ी के अंदर, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, और जो इसका लंबर सपोर्ट है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो आपको काफी अच्छी राइड क्वालिटी ये देता है जब आप लॉन्ग जर्नीज पे आप जाते हो। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको राइट एंड लेफ्ट मिलेगा, बीच वाले में भी ये वाला 3 पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है। आप चलते हैं थर्ड रो में, थर्ड रो में कितना ज्यादा स्पेस दे दिया है उसकी बात करते हैं, हालांकि जो सीट्स हैं वो फोल्ड हो रखी है तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। सो भाई इस साइड में आ गया हूँ, थर्ड रो में जाने के लिए सबसे पहले मैं सीट बेल्ट हटा दूं इसकी, और इसको आपने जैसे पुश किया एक गाड़ी की पूरी सीट ऐसे तरीके से हो जाएगी, ये थोड़ा सा आगे हो रखा है मतलब पीछे हो रखा है, इसको आगे करता हूँ, ये सीट हो गई फोल्ड, अब यहाँ से आप आराम से जा सकते हो भाई, स्पेस काफी ज्यादा है, ज्यादा कुछ हैसल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आ गया थर्ड रो में, लेग रूम की बात करो ये देखो लेग रूम आपको अच्छा खासा मिल जाएगा नो डाउट, थोड़ा सा थाई सपोर्ट थोड़ा सा नीचे है थर्ड रो के लिए, बच्चे आराम से बैठ जाएंगे, दो लोग भी आराम से बैठ जाएंगे लेकिन ज्यादा लॉन्ग जर्नीज नहीं कर पाएंगे, थाईज ऊपर उठी हुई हैं, बट बच्चे होंगे तो बहुत ही कंफर्टेबली क्योंकि चौड़ी है सीट बहुत ज्यादा, देखो मतलब सीट की चौड़ाई की बात करोगे तो अडल्ट के हिसाब से ही है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट थोड़ा सा थाई सपोर्ट क्योंकि भाई 5'7" मेरी हाइट है, उसके बाद देखिए थाई जो है ऊपर लगी हुई है, और हेडरूम की कोई कमी नहीं, देखो हेडरूम यहाँ पे फिर भी मेरे को 3-4 इंचेस का मिल रहा है, थर्ड रो की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे कप होल्डर मिलेगा, यूएसबी पोर्ट्स मिल जाएंगे चार्जिंग के लिए, राइट हैंड साइड में कंट्रोल्स हैं आपको इसके एसी वेंट्स के लिए, विंडो एरिया भाई थर्ड रो का इतना बड़ा विंडो एरिया है जनरली नहीं होता है किसी भी गाड़ी में, और यहाँ पे भी आपको कप होल्डर मिल जाएगा राइट हैंड साइड में, यहाँ पे थोड़ा सा फोन रखने के लिए कुछ एक दिया हुआ है मैट टाइप का, यहाँ पे भी दिया हुआ है, और ये थर्ड रो है भाई। बाकी चलते हैं रेयर से, दिखाता हूँ ये गाड़ी कैसी दिखती है भाई, ये है इसकी रेयर प्रोफाइल भाई, बहुत ही ऊंची है, ऊपर दिखाता हूँ शार्क फिन एंटीना है, आप देख सकते हो शार्क फिन एंटीना, थोड़ा सा फूल गिरे हुए हैं पेड़ के नीचे खड़ी है ना इसलिए, स्पॉइलर देखिए काफी ज्यादा अच्छा आता है, काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक देता है, बाकी स्टॉप पॉइंट लाइट भी आती है, डिफोगर आता है और वाइपर भी इसके अंदर आता है, और यहाँ पे देखो ये शेर का इन्होंने लोगो बना के दिया हुआ है, यहाँ पे इसके बच्चे हैं और ये इसकी वाइफ, ये देखो जल गई भाई पूरी की पूरी जल चुकी है, और कनेक्टिंग लाइट बहुत ही अमेजिंग लग रही है, और यहाँ पे इसकी ये देखो साथ में ये सारा का सारा एलईडी सेटअप दिया हुआ है, और इंडिकेटर की बात करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स हैं, और अगर रिवर्स की बात करेंगे तो नीचे आपको रिवर्स दिया हुआ है, रेयर पार्किंग कैमरा भी दिया हुआ है जो 360 डिग्री का भी काम करता है, और उसकी क्वालिटी मैंने आपको दिखा दी है एचडी क्वालिटी में, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, सफारी की बैजिंग है और 2 सेंसर्स हैं, और ओवरऑल जो प्रोफाइल है ना वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और ये ब्लैक कलर के जो एलिमेंट है ना व्हाइट व्हाइट के साथ थोड़ा थोड़ा देखो ये वाले नीचे बम्पर काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, अब बूट को बेसिकली अनलॉक करने के लिए दो है, एक तो गाड़ी के अंदर से मैंने आपको बता दिया था, दूसरा आप की से भी इसको अनलॉक कर सकते हो, प्रेस करोगे तो ये खुल जाएगा, इसमें लेग स्वाइप करके नहीं आता है, ऑटोमेटिक टेलगेट इसके अंदर नहीं आता है, वो एक कमी है, बाकी इस गाड़ी में सारे के सारे फीचर्स है जो टॉप मॉडल में आते हैं ऑलमोस्ट। भाई ये देखो स्पेस ना के बराबर है रेयर की अगर बात करोगे, लेकिन अगर ये सीट्स आपने लिटा दी तो भाई फ्लैट हो जाएगी और काफी ज्यादा अच्छा स्पेस आपको देगी। बाकी इसको फ्लिप को उठाओगे तो यहाँ पे इसके टूल दिए हुए, आप देख सकते हो सारा का सारा टूल्स वगैरह इसके अंदर दिए हुए, पंचर किट भी इसमें दी हुई है, और बात करोगे इसके स्पेयर टायर की तो स्पेयर टायर भाई नीचे है जो कि सेम साइज का है 18 इंचेस का आप देख सकते हो, और नीचे से सस्पेंशन वगैरह आपको दिख रहे हैं भाई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। तो भाई बंद कर देते हैं इसको, और ये था वीडियो टाटा सफारी एडवेंचर प्लस ए का, जो कि मेरे को लगता है कि अगर आपको टॉप वेयर इंडियन है तो सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ये वाला हो सकता है, इसमें सारे फीचर्स आ जाते हैं प्रैक्टिकल जैसे कि आपने देखा होगा, ऑटोमेटिक नहीं तो मैनुअली तो आ ही जाते हैं। बाकी भाई चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।